काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, पर क्राउड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, जो चिल्ड हवा निकल रहा है ना उस बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। ब्लॉग के साथ साथ ये आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, हमेशा एंटरटेन करता रहेगा। ये यहाँ की क्राउड स्पेशलिटी है कि आप हमेशा एंटरटेन रहे और हम एंटरटेन आपको करते रहे। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द योर ओन चैनल अमेजिंग ट्रेकर। इस समय मैं हूँ कोलकाता में, सडनली प्लान हुआ आने का, प्लान कहीं और पे जाने का है, पर मैं कोलकाता पहुँचा हूँ इस समय। मेरा एक बहुत ही अच्छे मित्र है, उनको साथ में लेके जाने के लिए। तो सफ़र जो है वो सफ़र शुरू होने वाला है कल, तो आज इवनिंग को कुछ विंडो शॉपिंग वगैरह करना था, तो इसलिए हम निकल आए हावड़ा की जो स्ट्रीट मार्केट है वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसी दौरान मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक खूबसूरत सा टेंपल है, हमारी अति प्रिय ठाकुर जी और राधा रानी का। तो हमने कहा इतनी अच्छे ऑप्शन मिला तो क्यों ना दर्शन किया जाए, तो हम दर्शन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं राधा रानी का और ठाकुर जी का। बस हम कुछ ही दूरी पे है और पहुँचने वाले हैं मंदिर पे। शायद आपको जो पूजा की अलग अलग वाद्य यंत्र है जिसका आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, अभी मुझे पता नहीं अंदर के कैमरा अलाउ है या नहीं, मैं इसके लिए मेरा दोस्त से पूछूंगा। अरे कैमरा अलाउ। मंदिर के प्रांगण में इस समय एक वॉशरूम है, तो मैं बंद रखना चाहूँगा इस समय कैमरा को। आई थिंक इट विल बी नॉट अलाउ टू गो इन टॉयलेट रूम। ठीक है, आई विल बैक सून। गर्मी है ना कलकत्ता में कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, शायद ही मैंने इतनी गली गली महसूस किया हुआ। I'm just asking to my friend if video recording is allowed inside or not. I'm totally not aware about it. So, मैं दोस्त को पूछा हूँ शायद ये अलाउ करेंगे, तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, शायद मैं अलाउ करता हूँ। Thank you.
छोड़ने वाले में से ही नहीं, इतनी दूर से आए हैं, दर्शन भी हो गया, प्रसाद भी मिल गया। सॉरी फॉर ऑल गाइस, मैं ज़्यादा देर से बात नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहता कि दूसरे को डिस्टर्बेंस हो। काश आप भी मेरे साथ साथ प्रसाद ले पाते तो मुझे बहुत खुशी होता। मैं आशा करूँगा आप कहीं ना कहीं पर अपनी राधा रानी के दर्शन कर रहे होंगे और प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आप चाहे पाते ले सकते हैं। नीचे देखो वो से आए प्रसाद हम तो ले लिए है। तो आपको मंदिर को जो फ्रंट साइड है मैं आपको उसका दर्शन कराता हूँ, आप देख सकते हो। अच्छा, खरीदारी करना है तो ये मंदिर की रिलेटेड सभी सामान यहाँ पे आपको सामग्री अवेलेबल हो जाएगी। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी से हूँ, तो मैं और कई दिन आके मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराऊँगा। फाइनली वी गॉट सम चिल्ड फ्रेश एयर इनसाइड द मेट्रो ट्रेन, आई फील गुड रेन। मेरा जो मित्र है वो कह रहा है कि मतलब कम कलकत्ता के वेदर से वाकिफ नहीं हो कि ये कितनी टॉर्चर करते हैं हम सब, पर उसके लिए तो हम बस है, मेरे लिए नई बात हो गया क्योंकि मेरे वहाँ पे वेदर अच्छा रहता हमेशा। पर देखते हैं इस समय यहाँ के मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और देख सकते हो इतनी भी क्राउड नहीं है, आमतौर पर काफ़ी क्राउड होती है यहाँ पे, थोड़ा पब्लिक व्यू भी रहता है। एक अच्छी खूबसूरत स्माइल थी सर, मेरे परम मित्र इनका इंट्रोडक्शन अच्छा से मैं आपको कराऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियोस। इन द नेक्स्ट वीडियोस गोइंग टू यू नो फॉर व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, इज अ वेरी यू नो इंपॉर्टेंट पर्सन हमारी वीडियो के लिए। और नेक्स्ट ट्रिप जहाँ पे होने वाला है वहाँ जो भी चीज के रिलेटेड हम वीडियो बनाने वाले हैं उनकी जो जानकारी है इन व्यक्ति की द्वारा हमें प्राप्त होने वाली है। ओह माय गॉड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन Us and for our channel. देख सकते हो थोड़ी बहुत क्राउड है, आम तौर पर इसीलिए ज़्यादा क्राउड होती है, पर क्राउड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, जो चिल्ड हवा निकल रहा है ना उस बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, फिर बने रही है वीडियो पे। आगे हमें विंडो शॉपिंग भी जाना है, आपको बाजार भी लेके चलेंगे। इट्स सामोदिन धर्मकला कोलकाता, तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे इस एरिया पे। कुछ सामान खरीदा तो हमें दो, हम सामान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेडीज़ देखते हैं कहाँ तक हमें मिल रहा है। तो काफ़ी सारे कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको साउंड क्वालिटी अच्छे से मिल रहा है। चलो देखते हैं टाइप सी कुछ टाइप सी टू सी केबल मिल जाएगा आपके पास। हाँ रोबीदा टाइप सी टू टाइप सी केबल, छोटे साइज में मिल जाएगा, छोटा होगा एकदम छोटा ना, छोटा हमारे लंबा होगा ना, 1 मीटर मतलब होगा, 1 मीटर चाहिए एकदम छोटा होगा ना, एकदम छोटा होगा ना, 1 मीटर भी है हमें नॉर्मली हम जाने आना जो लगता है नहीं चलो पनीर जो चाहिए था वो मिल गया। एक्चुअली एक पावर केबल का जरूरत था, जैसे कि मैं अपने कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स से अपने कैमरे को चार्ज कर सकूं,
हमने कोई लोकल बस कैच करा अभी तो पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। राइट नाउ हम अभी ये चौरास्ता पे है। चौरास्ता अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ यानी कि चार रोड, तो वो आगे पीछे छोड़ के आए हम लोग, फिर पीछे छोड़ के आए। तो अभी जाना है कुछ और ख़रीदारी करना, पेंडिंग रह चुका है हमारी, तो अभी देखते हैं बाकी क्या ख़रीदारी और क्या कर सकते हैं, ओके देखते हैं। बहुत सारा ख़रीदारी करना है पर गर्मी के कारण चलने को मन नहीं कर रहा है, बस पानी पे पानी पिए जा रहे हैं। फिर भी लग रहा है कि अंदर जैसे कुछ ज्वालामुखी इरप्ट हो रहा है, देखते हैं। और तो अच्छी है और उसके साथ साथ में थोड़ा अगर चिल्ड हवा बहती ना तो मज़ा आ जाता। एक्चुअली बहुत सडनली प्लान हुआ यहाँ आने की, नहीं तो आपको और डिटेल्स में घुमाते। कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल पूरा कलकत्ता की दर्शन कराएंगे, यहाँ की मोस्ट फेमस प्लेसेस में बिल्कुल लेके जाएंगे इन फ्यूचर। और बाकी ब्लॉग से आपका ये ब्लॉग डिफरेंट मिलेगा, और आपको डिफरेंट पसंद है तो बिल्कुल मैं डिफरेंट ब्लॉग आपको ला के दूँगा। ब्लॉग के साथ साथ ये आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, हमेशा एंटरटेन करते रहेगा। ये यहाँ की क्राउड स्पेशलिटी है कि आप हमेशा एंटरटेन रहे और हम एंटरटेन आपको करते रहे। सॉरी फॉर फ्लिकरिंग, एक्चुअली ये मार्केट है पूरा LED लगा हुआ है, तो इतनी समय नहीं मिल रहा है कि मैं अपना कैमरे में उसका जो फ्रिक्वेंसी है मैं उसको चेंज करूँ। सच में यार कुछ भी आप बोलो, आप जो विलेज में शांति है ना कहीं पे नहीं है। मेरा सोच था कि जिस ही जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह से कई गुना अच्छा और मेट्रो सिटी होता था, मुझे पहले सोच था, लेकिन जब से मैं मेट्रो सिटी में रहना चालू किया तब मुझे समझ में आया कि क्या डिफरेंसेस है। आज तो हालत ख़राब हो गई थी मेरा। और कितनी दूर है? 5 मिनट्स। हाँ ये रही आपका पाव भाजी, स्ट्रीट फूड। आज मूड में नहीं हूँ यार, खाने को मन ही नहीं कर रहा था। राइट नाउ आई मीन नियर समर इन गंगा घाट। व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिस प्लेस? बादा घाट। ओके, सो शायद प्लेस का जो नाम है बादा घाट कहते हैं। और यहाँ की नज़ारा कुछ रात के समय है, मैं आपको दिन में भी दिखाऊंगा एक बार। अभी रात के समय आपको कैसा लगता है देख के बताओ। दूर पे आप देख सकते हो हावड़ा ब्रिज, ये वाला नहीं जो दूर पे दिख रहा है। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको और दिखा सकता हूँ। लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं।
होली मदर गंगा एंड हाउ आर इट नाउ एंजॉय द व्यू एंड विद मी इज माय वेरी ओल्ड फ्रेंड अमित ही इज फ्रॉम आसाम जस्ट केम टू कलकत्ता ही इज डूइंग हिज ओन ब्लॉगिंग हियर एज यू कैन सी वी आर डूइंग अ ब्लॉगिंग and you're going to get some new updates we are going to visit some new places stay tuned for our new channel do subscribe to our channel and all the details will be given in the link description below right the channel is not our channel it is your channel exactly so it's only for you guys that we are going to make this channel and we're going to give everything about India and everything around the world so and stay tuned very soon I'm going to start all over India tour and we need your support and your love thank you so until much unless your need and support we cannot start the trip yeah तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे गंगा जी की आशीर्वाद और गंगा जी के दर्शन के साथ मिलते हैं बहुत जल्द और एक नई ब्लॉग